सब चाहते हैं कि जल्दी से कोई स्नैक या स्टार्टर तैयार हो जाए, तो क्रिस्पी बेबी कॉर्न कैसा रहेगा? तो यहाँ पर हमने 50 ग्राम जितने बेबी कॉर्न लिए हैं, जिसके दोनों सिरे काट लिए हैं मैंने, और इसको अच्छे से पानी से धो लिया है, साफ कर लिया है उसको। अब हम इसके चार टुकड़े करेंगे, दो खड़े, और उसको ही हम दो आधे हिस्सों में काट लेंगे। आप अगर उसको ऐसे ही पकाना चाहते हो तो आप इसे बॉईल कर लीजिए थोड़ा सा, 2 मिनट तक के लिए, और उसके बाद आप उसको पका सकते हो। तो इसी तरह से मैं इसके सारे टुकड़े कर लूँगी। अब हम क्या करेंगे, मैदा लेंगे 3 टेबलस्पून जितना, यहाँ पर मैंने मैदा लिया है, और साथ ही इसमें मैं डालूँगी कॉर्नफ्लावर, वो 2 टेबलस्पून जितना डाल देंगे, और इसको थोड़ा क्रिस्पी बनाने के लिए 1 टेबलस्पून जितना इसमें मैं रवा डालूँगी, सूजी डालूँगी, और यहाँ पर ब्लैक पेपर पाउडर लिया है, काली मिर्च का पाउडर 1/4 टेबलस्पून, और यहाँ पर थोड़ा सा ऑरिगेनो लिया है, साथ में चिली फ्लेक्स 1/4 टेबलस्पून, या आप तीखा ज़्यादा खाते तो उसके हिसाब से, और यहाँ पर अमचूर पाउडर, गरम मसाला, और यहाँ पे थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे हम लोग, और ये हल्दी पाउडर 1/4 टेबलस्पून, यहाँ पे जीरा लिया है 1/4 टेबलस्पून, और ये हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट जो इसको बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। अब इसको अच्छे से मिलाएंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, इसकी कंसिस्टेंसी को ध्यान में रखते हुए हमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है इसमें। तो मैंने तो यहाँ पर लगभग 1/2 कप जितना पानी ऐड किया है। तो इसकी कंसिस्टेंसी हम डोसा बैटर जैसी रखेंगे, ना ज़्यादा गाढ़ी और ना ही ज़्यादा पतली। तो ये देखिए हमारा जो बैटर है वो तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें एक एक करके जो बेबी कॉर्न्स है उसको डिप करेंगे और गर्मा गर्म ऑयल में डालेंगे। उसको हमें मीडियम हीट पर गर्म करना है, और जब आप इसमें अपने बेबी कॉर्न्स फ्राई करने के लिए डालते हैं तब उसका जो हीट है, फ्लेम है, उसको थोड़ा कम कर लीजिए, मीडियम स्लो फ्लेम पे उसको करिए, और इसको साथ में चलाते रहिए ताकि जो बेबी कॉर्न्स होते हैं हमने बॉईल नहीं किए हैं तो अंदर से हल्के क्रिस्प रहते हैं या फिर थोड़े से कड़क रहते हैं, तो उसको अच्छे से फ्राई करना ज़रूरी है। कंटिन्यू आप इसको चलाते रहिए, और बीच में आप जब आपको लगता है कि ये हो गया है, गोल्डन ब्राउन हो गया है, एक बार टेस्ट भी ज़रूर कीजिए, तब आपको आइडिया लग जाएगा। वैसे 7 से 8 मिनट लगते हैं इसको पकाने में, फ्राई करने में। तो ये हमारे जो क्रिस्पी बेबी कॉर्न है वो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुके हैं, सुनहरे रंग के हो चुके हैं, और मैंने तो इसको टेस्ट भी कर लिया, बहुत ही टेस्टी भी बने हैं। तो इसको आप ग्रीन चटनी या फिर सॉस के साथ सर्व कीजिए। ये देखिए मैं निकाल रही हूँ उसको, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है, ये जल्द ही बनने वाले क्रिस्पी कॉर्न की रेसिपी पसंद आती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।